उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वावधान में टीबी अस्पताल नंदानगर के 45 कर्मचारियों ने संविदा बहाली के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि टीबी अस्पताल के 45 कर्मचारियों के संविदा को बहाल करने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया गया है और मांग किया गया है कि सभी कर्मचारियों की संविदा को बहाल किया जाए। इस अवसर पर लीना सिंह, ममता राय, सिनित प्रभा सिंह, विनीता, दमयंती, प्रियंका सिंह, निर्मला राय, प्रेमलता, रागनी, आकाश, विष्णु, अजय, विकास, वरुण, वैरागी, राघवेंद्र कुमार, मदन मुरारी, शुक्ला, वासुकी नाथ तिवारी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, अरे उन लोग को आगे कर दीजिए, राज कर्मचारी संयुक्त परिषद जिंदाबाद, 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 48 कर्मचारी बहाल करो, बहाल करो, जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो, मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करो, पालन करो, 45 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, 45 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। रूपेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज कर्मचारी संयुक्त परिषद, ज्ञापन आप देने, देखिए आज हम लोग ये 45 कर्मचारियों का दर्द है जिनके चूल्हे बुझ चुके हैं। 13 जुलाई से इनका जो निरंतरता है वो ख़त्म हो चुकी है। हालांकि शासनादेश के तहत उसमें शासनादेश में इंगित है कि निरंतरता ख़त्म नहीं होनी चाहिए, निरंतरता बनी रहनी चाहिए। और सबसे बड़ा दुख की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर 3 बार लोग महिला पीड़ित कर्मचारी मिली हैं, जो नर्स और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं टीबी अस्पताल के, अब मिल के अपना गुहार लगाए। उन्होंने डांटा भी अपने अधिकारियों को और कहा जल्दी कराओ, लेकिन हम मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं हो रहा, यही मेरे समझ में नहीं आ रहा। अब मैं ये समझता हूँ, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ कि आप तो पीठाधीश्वर भी हैं, अर्थात ईश्वर का रूप है, और एक तो मुख्यमंत्री हैं और दूसरे ईश्वर का रूप है। तो अगर आपके जमाने में न्याय नहीं होगा, ये बच्चों का चूल्हा बुझ चुका है। क्या मांग कर रहे हैं आप? तो हम मांग करते हैं तत्काल बहाली किया जाए, मुख्यमंत्री के आदेश का पालन किया जाए, या तो मुख्यमंत्री जी कहें कि हम नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं होगा उसका रास्ता निकालें, क्योंकि आप तो संविदा की आप नौकरी दे रहे हैं। मंत्री जी ने तो निर्देश दिया था करने के लिए। हाँ, लेकिन आप तो मुख्यमंत्री जी से एक बड़ा मिशन पर लड़ना आगे है कि अब संविदा पर नौकरी आप दे रहे हैं, सारे बच्चों को दीजिएगा। तो हम चाहते हैं एक नियमावली बना दिया जाए, नियमावली बनाने के बाद उसमें ये हो जाए कि नियमित वेतन मिले और कंटिन्यूटी अपने आप चलता रहे, और बीच में जो भ्रष्टाचार है वो ख़त्म हो।